हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पेंगोंग लेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात और क्यों हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। यार, पेंगोंग लेक ना भारत की खूबसूरत ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित कर देने वाली झीलों में से एक झील को माना जाता है। और हम में से बहुत सारे ट्रैवलर्स का, बाइकर्स का एक सपना होता है कि पेंगोंग लेक में जाके कुछ समय बिताएं। और हम में से कई सारे लोग तो ऑलरेडी जाके आ चुके हैं और कई लोग तो एक से अधिक बार जाके अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी लेके आ चुके हैं। आपने सिर्फ अभी तक इसकी सुंदरता के बारे में सुना होगा, इसके अलग अलग कलर्स के बारे में सुना होगा, बट मैं आपको आज इसके एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात आपको बताता हूँ। पेंगोंग लेक जो है वो 143 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 40% लेक ही इंडिया में आती है और बाकी की 60% लेक जो है वो चाइना के अंदर आती है। और अब जब चाइना की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस लेक का 20 किलोमीटर वाला पार्ट जो है वो LEC के अंदर आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात तो अब आए दिन न्यूज़ में सुन ही रहे हैं। यार, वैसे तो हम कहते हैं कि ये लेक हमारे सपनों की लेक है, पर अब जब इस लेक पे संकट मंडरा रहा है और हमारी आर्मी वहाँ पे जान की बाजी लगाए खड़ी है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता हम घर बैठे एटलीस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, जिससे चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर पड़े और उनकी आर्मी को मजबूरन पीछे हटना पड़े। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे बल्कि पूरे देश को सपोर्ट कर रहे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरी ना सिर्फ हर एक ट्रैवलर और हर एक ट्रैवल कम्युनिटी बल्कि सारे हिंदुस्तानियों से अपील है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को भी होगी जो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अभी होलसेल में बेचते हैं या छोटे मोटे आइटम्स बेचते हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अगर आप बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो बस एक नीचे कमेंट कर दीजिए और इस मैसेज को हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचाइए। जय हिंद।